बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्हें उनके प्रसिद्ध नारे के लिए जाना जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बाल गंगाधर तिलक, उनके बचपन, इतिहास और उपलब्धियों और कुछ अज्ञात तथ्यों के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दे, ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। सो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक समाज सुधारक, भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वह स्वराज के प्रबल अनुयायी थे। 23 जुलाई 1856 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने मराठी और हिंदी में अपने भाषण दिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ अपना शासन बनाकर भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में मदद की और इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। उनका जन्म एक मध्यम वर्ग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1876 में उन्होंने पूना में गणित और संस्कृत में डेक्कन कॉलेज से स्नातक यानी ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। 1879 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई को पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने पूना में एक निजी स्कूल में गणित पढ़ाने का फैसला किया, जहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उन्होंने विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में लोगों को शिक्षित करने के लिए 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, क्योंकि उस समय वे और उनके सहयोगी मानते थे कि अंग्रेजी उदार और लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए एक शक्तिशाली भाषा है। उन्होंने मराठी में केसरी यानी दी लॉयन और अंग्रेजी में दी मराठा जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत करना शुरू किया। ये दोनों पत्र जल्द ही जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की काफी आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि तुरंत वे भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश और 1895 में शिवाजी, दो महत्वपूर्ण उत्सवों को सार्वजनिक रूप दिया। इन त्योहारों के माध्यम से वे जनता में देश प्रेम और अंग्रेजों के अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष का साहस भरना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC में शामिल हो गए। उन्होंने स्वराज का नारा बुलंद किया। भारत में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। जमशेद टाटा और तिलक ने मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की भी स्थापना की। क्या आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को एक साथ लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। तिलक 1891 के 1891 एस ऑफ कंसेंट एक्ट के खिलाफ थे। राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तिलक एक जन आंदोलन बनाना चाहते थे जो नरम पंथियों की राय से अलग हो, और इसलिए 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम पंथियों और चरम पंथियों में विभाजन हुआ। अंग्रेजों ने स्थिति का लाभ उठाया और बाल गंगाधर तिलक को बर्मा यानी म्यांमार की मंडलीय जेल भेजा और वहां पर उनको 6 साल की सजा काटनी पड़ी। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। उन्होंने द आर्कटिक होम इन द वेदास प्रकाशित किया, जो आर्यों की उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ओम राउत ने फिल्म लोकमान्य एक युग पुरुष का निर्देशन किया, जो 2 जनवरी 2015 को रिलीज हुई थी। बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने लोगों को प्रभावित किया, स्वराज का संदेश फैलाया। वह एक महान वक्ता थे और उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसे मुख्य त्योहारों में से एक माना जाता है, जो तिलक द्वारा ही शुरू किया गया था। उन्होंने काफी समय हिंदू धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में भी बिताया था। सो ये थे बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।